फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति अर्टिगा VXi CNG वेरिएंट में। CNG में ये कितनी एवरेज देती है, आज इसके ऊपर हम फुल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अर्टिगा जो 7 सीटर गाड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली, ये एक पावरफुल सेगमेंट में आती है और एक बजट फ्रेंडली रेट में आती है। पावरफुल पर बजट फ्रेंडली रेट होगी, एक काफ़ी अच्छे रेट में आती है और 7 सीटर गाड़ी सबसे कम रेट में आने वाली ये 7 सीटर गाड़ी है। बहुत ही एक शानदार गाड़ी है। आज इसके ऊपर फुल डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी हॉर्स पावर है, कितनी एवरेज है, कितनी माइलेज है, अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, कंफर्ट कैसा है इसका, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। जो आपको गाड़ी लेने से पहले एक बार जो देखना चाहिए सब कुछ, जो जो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। गाड़ी लेने से पहले आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके प्राइस रेंज की। जो पड़ती है ये तकरीबन ऑन रोड प्राइस ये पड़ेगी 12 लाख रुपये की VXi CNG में, जिसमें कमाल का माइलेज आने वाला है। 25 26 के साथ से ये माइलेज आएगी इसकी। 1462 CC का इंजन है इसमें, तकरीबन 1500 CC का इंजन है। नंबर ऑफ सिलेंडर 4, फ्यूल टाइप CNG प्लस पेट्रोल। तो मारुति ने आपको पता ही है डीजल गाड़ियाँ बनाना बंद कर दिया गया है कब से, काफ़ी देर से। कलर्स की बात करें तो ग्रे, वाइट, रेड, मैरून, सिल्वर, एक ब्लू कलर, तो इन सब कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है। अब चलें स्पेसिफिकेशन की बात करें और तो 86 की हॉर्स पावर आ जाती है इस गाड़ी में। जो विदाउट CNG है उसमें 100 की हॉर्स पावर आती है। सीटिंग कैपेसिटी 7 की आ जाती है 121 का टोर के साथ। फ्यूल कैपेसिटी टैंक के साथ आती है 60 लीटर की। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें दोस्तों, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट रेयर, AC हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ले आओ एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग नहीं आता, एसएसडी पावर आउटलेट आता है, रिमोट हॉर्न एंड लाइट कंट्रोल नहीं आता, वैनिटी मिरर, रेड रीडिंग लैंप, रियर सीट हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल, फ्रंट सीट बेल्ट नहीं आती, कप होल्डर, फ्रंट रियर रिसीवर, सीट नंबर स्पोर्ट आता है, क्रूज कंट्रोल नहीं आता इसमें, पार्किंग सेंसर, रियर फोल्डेबल, थर्ड रो 50x50 सप्लिट, स्मार्ट एसएस कार्ड नहीं आता, कीलेस एंट्री आती है, इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, गियर शिफ्ट, व्हील पैडल्स, गियर सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट नहीं आता, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है। वहीं पर एडिशनल फीचर की बात करें तो सेकेंड रो रूफ माउंटेड AC विथ 3-स्टेज स्पीड कंट्रोल, एयर कूल, ट्विन कप होल्डर कंसोल, पावर सॉकेट, 12 वाट फ्रंट रो विद स्मार्टफोन स्टोरेज स्पेस, पावर सॉकेट 12 वाट, सेकेंड रो कॉइन टिकट होल्डर, ड्राइव इन साइड कैबिन लैम्प, फूट रेस्ट। और दोस्तों इंटीरियर की तरफ चले तो टेक्नोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी टेक्नोलॉजी फैब्रिक अपोस्ट, लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, ग्लव कंपार्टमेंट आता है, डिजिटल क्लॉक आता है। और आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं आता, डुअल टोन डैशबोर्ड आता है। एडिशनल फीचर की बात करें प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर, सेकेंड रो 60x40 स्प्लिट सीट विद वन टच रिक्लाइनर स्लाइड, थर्ड रो 50x50 स्प्लिट साइड्स रिक्लाइन फंक्शन, फ्लेक्सिबल लगेज स्पेस विद फ्लैट फॉल, थर्ड रो को ड्राइवर सीट, बैग पॉकेट्स, ड्राइवर साइड सन वाइजर। विद टिकट होल्डर पैसेंजर साइड सन वाइजर विद वैनिटी मिरर डेजल क्रोम। डेजल क्रोम टैप्ड पार्किंग ब्रेक लीवर गियर शिफ्ट नॉब विद डेजल क्रोम फिनिश मिड विद कलर TFT फ्यूल कंजप्शन इंस्टेमिनिस एंड एवरेज डेडिकेटेड CNG फ्यूल गॉज टोटल CNG मोड टाइम डिस्टेंस टू MT एडजस्टेबल हेडलाइट्स फॉग लाइट्स नहीं आते, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर आता है, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर आता है,
रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वाशर, रियर विंडो डिफॉगर नहीं आता, व्हील कवर आते हैं, अलॉय व्हील्स आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, पावर एंटीना आता है आउटसाइड, रियर व्यू मेरे टर्न इंडिकेटर, क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निशिंग, प्रोजेक्टर, हैलोजन हेडलैम्प्स, टायर साइज 15 इंच। ऑर्गेनिक स्टाइल एलईडी टेल लैंप्स, डायनामिक क्रोम विंग, फ्रंट ग्रिल, फ्लोटिंग टाइप रूफ डिजाइन। सेफ्टी की बात करते हैं, एबीएस ब्रेक असी, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, नंबर ऑफ एयरबैग 2-10%, एयरबैग साइड एयरबैग नहीं आता, डी एन नेट, रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट वाले डोर जरवानी, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आता, ईबीडी आता, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। हेडलैम्प ऑन वार्निंग सुजुकी। सुजुकी हेडलाइट प्लेटफॉर्म, ड्राइवर विंडो, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, आउटर डोर लॉक, आइसोफिक्स, चाइल्ड सेफ्टी, लिमिटेड सीट बेल्ट, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो स्पीकर, फ्रंट बैक, टोड इन ऑडियो, यूएसबी ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, तो आपको टच स्क्रीन